कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इन्होंने राजभर जी का साथ छोड़कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ पकड़ा। विधायक जी आप ये बता, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा मुबारकपुर 346 जो है, और हमारे साथ में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जो यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं राम दुलारे राजभर जी मौजूद हैं इस वक्त ये मुस्तफाबाद गांव के अंदर। और जैसे राम दुलारे जी जो इससे पहले थे तो राजभर जी की पार्टी में थे, तो हम इनसे ये पूछेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इन्होंने राजभर जी का साथ छोड़कर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ पकड़ा। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपने उनका साथ छोड़कर कुशवाहा जी या वामन मिश्रा जी या असदुद्दीन अवैसी का साथ पकड़ा? जी पहले मैं आपको मीडिया के माध्यम आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हमारे पास। मैं देखिए सर, उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने सुभाषपा से जुड़ा था, मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा था। सबसे पहले हमने निर्दल की तैयारी किया था, आज भी हमारे वॉल पेंटिंग दुनिया भर के पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो इनके कुछ कार्यकर्ता लोग आए हमारे पास, तो इन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि आप निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और नेताजी का नाम कि आप पार्टी से हिस्सा ले लीजिए और आपको हम लोग टिकट दिया जाएगा मुबारकपुर विधानसभा से। हम बोले नेताजी टिकट नहीं देते हैं किसी को। बोले नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं भाई, क्यों नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे पार्टी से। हम लोग ठीक, चलिए आप लोग बोले तो हम चल रहे हैं। हमने गया सर उनके साथ में लगा, फिर हमने उनका हलधरपुर की रैली करवाए थे, उसमें हमने 62 गाड़ियां दिया था। और उनके कार्यकर्ता कुछ लोग ऐसे थे कि जो सभी का विधानसभा के अंदर, तो मैं मुझे लगता है कि गाड़ी जो हर एक क्षेत्र में लगाया था मैंने, 5 गाड़ी 10 गाड़ी 8 गाड़ी सबको दिया था, ये लोग चलाए, उसमें हमारा अच्छा खासा योगदान हुआ, 3 लाख के आसपास खर्चा किया था हमने। फिर उसके बाद हमने इनको बोला नेताजी से मिला, तो नेताजी बोले भाई टिकट आपको दिया जाएगा, क्षेत्र में तैयारी कर लीजिए, आपको चुनाव लड़ना है। तो हमने उसके हिसाब से चलना चालू कर दिया। अब हम पर डे जो है 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी लेकर क्षेत्र में निकलते थे। फिर हमको कुछ कार्यकर्ता उनके बोले भैया आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं नेताजी से एक बार फैसला कर लीजिए, पूछ लीजिए कि आपको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने गया उनके पास, तो बोले नहीं आपको टिकट दिया जाएगा। तो हमने उनको पैसा दिया 51,000 रुपया। किसको? ओम प्रकाश राजभर। जी जी दिया दिया, उनके कार्यालय भी दिया। नहीं लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तो ये कहते हैं कि मैं राजभर समाज के लिए लड़ता हूँ और पहले से लड़ता आया हूँ, मैं राजभर समाज की फिक्र करता हूँ। और इससे पहले अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर भी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बना था उसके अध्यक्ष थे, लेकिन किसी वजह से वो समाजवादी में चले गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पूर्व बहुमत से 10 तारीख को शपथ लेंगे। सर अभी वो शपथ क्या लेंगे, अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं है और इनके जो विजय रथ यात्रा इन लोग निकल पड़ी है, तो वो जनता के बीच में जाके किस भेष से उठवाएंगे लोग, कैसे लोग अपना सरकार बनाएंगे 10 तारीख को? बहुमत यहाँ पे किसी को नहीं है, बहुमत यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है। यहाँ गठबंधन की सरकार बनने वाली है, चाहे अखिलेश जी की बने चाहे बीजेपी के बने, यानी जिसकी भी बने गठबंधन से ही बने की सरकार। लेकिन सपा वाले तो ये कहते हैं कि हम आ रहे हैं। सपा वाले बड़बोले कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे सपा वाले। सपा वालों की स्टेप कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों सरकार दिख रही है कि हमको सरकार बनाना है। आपने सरकार बनाया था 2 बार 3 बार, आपने क्या किया क्षेत्र में? अभी आप आए होंगे देखेंगे रोड से, रोड है, रास्ता है, नली नाले दुनिया भर के पानी जमावड़ा हुआ है, गरीबों को घर ने मकान गिर गए। अच्छा एक बात और, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे सपा की सरकार में ये देखने को मिला कि जो बिजली के तार आते थे, कई मरतबा ये देखा गया कि उनपे कपड़े सुखाए जाते थे। जी केजरीवाल जी ने कह रहे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर भी बिजली फ्री करूंगा। सर 3 साल जब तीन चक्कर तो ये लोग थे यहाँ पे, दोनों बाप बेटा मिलाकर 3 बार थे, तीनों बार में ये लोग कभी ये लोग कुछ फ्री किया तो बताइए, हमने तो कभी इनको फ्री देखा नहीं। आज फ्री कुछ नहीं होने वाला है, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं लोग पब्लिक को। यानी ये भी वो 15 लाख वाला जमाजी जुमला समझा जाए, जुमला ये लोग जुमलेबाजी चल रही है सब, यहाँ जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी करके जनता को केवल भ्रमित कर रहे हैं उसके अंदर कि जनता हमारे बहका, मत जनता बहकने वाली नहीं है। इस बार जनता जान चुकी है कि कौन क्या करने वाला है, और जनता के जहाँ अधिकार वहीं वो मत देगी सबको। यहाँ अभी देखिए मुबारकपुर विधानसभा में हम बैठे हुए हैं, मुबारकपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, और यहाँ भी लोग वही चल रहा है,
कि यहाँ वो सीट जीत रहे हैं। अरे जिस दिन काउंटिंग होगा, मतगणना हो जाएगा, काउंटिंग होगा, तो उस दिन देखना किसका सीट निकल रहा है यहाँ पे। नहीं, वो तो हम लोग सर्वे करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जनता का रुझान किसकी तरफ है। सर्वे में सब झूठा है, ये सर्वे में जो हो रहा है ना मीडिया वालों का, कोने कोने पर उनके ही आदमी बैठे हैं, वही लोग झूठे झूठे सवाल करते हैं, बताते रहते हैं। यहाँ सर्वे सही नहीं है, सब सर्वे झूठा है। वहाँ बीजेपी के हैं चार बैठे हुए, तो उनके तरफ से बोल रहे हैं, सपा के उनके तरफ से बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जनता आप खेती में जाए, खेत खनियाल में जाके पूछिए, गांव ग्राम सभा में पूछिए, चट्टी चौराहे कौन सी सर्वे है। यानी इस बार मुबारकपुर से भी कुछ बदलाव होगा? बदलाव है, बदलाव होने वाला है, हो भी गया, काउंटिंग होगा तो मालूम पड़ जाएगा लोगों को। यहाँ जन अधिकार पार्टी का ही कैंडिडेट आगे चुन के, अगर जैसे अगर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अगर समझ लिए बहुमत से अगर आती है, या किसी को अगर समर्थन देके सरकार बनाती है, तो जैसे संविधान की बात की जाती है, क्योंकि देखिए संविधान की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन देश को आजाद होके आज 73 साल हो गया, और ये दुर्भाग्य है कि आज तक संविधान को लागू नहीं किया गया, बराबर। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे जो संविधान की बात करेगा उसके साथ हैं, आज जो हक हिस्सेदारी की बात करेगा उसके साथ हम चलेंगे, आप ये जुमलेबाजों के साथ हम लोग नहीं चलने वाले हैं। अभी हमारे बाबू साहब, बाबू सिंह कुशवाहा जी गए थे गठबंधन के लिए, जो बात हुई थी बीजेपी ने वही चीज़ बोला था, और जब वो हिस्सेदारी की बात किए, गठबंधन तो हमारा फिक्स था, मत जब हिस्सेदारी की बात हुई तो वहाँ उन्हें पीछे हट गए लोग, बोले बोले नहीं अभी इस बार चुनाव लड़िए विधानसभा का, लोकसभा के बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने बोला सीधा कि लोकसभा में जैसे ओम प्रकाश राज को भगा दी, उसे हमको भी हटा दोगे, तो हिस्सेदारी हमारी कहाँ से मिलेगी, तुम्हारी तो सरकार बन गई 5 साल के, फिर 5 साल हम घूमे रोड पे। इसके लिए उन्होंने किसी से गठबंधन भी नहीं किया, और खुद हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे छोटे दल मिल करके हम लोग अपना गठबंधन होकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना करके चुनाव की तैयारी है। अपनी क्षेत्र की जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? हम अपनी क्षेत्र की जनता का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन है, प्रणाम करते हैं बाकी लोगों को, उसमें जनता हमारे साथ लगी हुई है, इसमें हर एक कास्ट के लोग हैं, हर एक बिरादरी के हमारे साथ हैं, बैकवर्ड से जितने सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। देखिए जो भी जो बोलता है कहने, जब वो लोग मतदान का समय आएगा सभी लोग एक जगह पे मत करेंगे लोग। चलिए धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ में विधानसभा मुबारकपुर से 346 के दावेदार थे, राम दुलारे राजभर जी।